सतना में भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने यह हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। दवारी मोहल्ले में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने भाई यशपाल सिंह और उनकी पत्नी सुनीता सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने उनके बेटे के सामने दोनों को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पेशे से वकील है, वह शहडोल में रहता है। मकान में हिस्से को लेकर उसका अपने भाई से विवाद चल रहा था। घर से निकलने के रास्ते को लेकर उनके बीच कई बार बहस और झगड़ा हो चुका था। शुक्रवार को भी विवाद हुआ और इसी बीच ब्रजेंद्र ने पिस्तौल से भाई और भाभी पर गोली चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। SP धर्मवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी आरोपी से पूछताछ की। आरोपी ने पुलिस को पहले गुमराह करने की कोशिश की और पिस्तौल को नाली में फेंक देने की बात कही, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्त हुई तो बंदूक घर के कमरे से ही बरामद करवा दी गई। छोटे भाई के द्वारा मझले भाई और उनकी पत्नी की हत्या से संबंधित प्रकरण है। दवारी गली नंबर 5 में अभी से कुछ देर पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, गोली चली है। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति घायल हैं। पुलिस ने तत्काल घायलों को सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां से पता लगा है कि गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, यशपाल सिंह और उनकी पत्नी सुनीता जी। तत्काल मौके पुलिस पहुंची है। इसमें जो सगा भाई इनका ब्रजेंद्र सिंह है, उसके द्वारा गोली मार के हत्या की गई है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।